हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक और नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है मार्केटिंग ऑफ फिशेज इन इंडिया। इसके सिनॉप्सिस देखते हैं, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द मार्केटिंग, टाइप ऑफ मार्केटिंग जिसमें टू टाइप है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, एम्स ऑफ फिश मार्केटिंग, आर्ट्स ऑफ मार्केटिंग, नॉलेज ऑफ फिशरमैन, फिश मार्केटिंग इन डिफरेंट प्लेस ऑफ इंडिया, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो वर्टिब्रेट्स का एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। ह्यूमन की लाइफ का फिश से अधिक घनिष्ठ संबंध है क्योंकि लाखों लोग भूख के कारण कष्ट उठाते हैं। में फिश फूड का सस्ता रिच सोर्स प्रदान करती है और फूड को एक महत्वपूर्ण फूड में ह्यूमन की न्यूट्रिशन डिफ़िकल्टीज दूर करती है। फिश में कई प्रकार के उत्पादन भी प्राप्त किए जाते हैं। यानी जो फिश जो है एक वर्टिब्रेट्स का एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। यह ह्यूमन की लाइफ में ह्यूमन और फिश का अधिक घनिष्ठ संबंध है क्योंकि जो लाखों लोग भूख के मारे जो कष्ट उठाते हैं उसमें एक फिश फूड होता है वो जो सबसे सस्ता पाया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सोचिए, वह ह्यूमन बॉडी के लिए एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और ये फिश अनेक प्रकार की होती हैं। व्हाट इज़ द मार्केटिंग? तो फिश इंडस्ट्री तथा अन्य सोर्स प्राप्त फिश प्रोडक्ट्स पब्लिक कंज्यूमेशन के लिए प्रॉपर मैनर में बनाए जाते हैं। इंडस्ट्री या सोर्स होते हैं उसमें फिश से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो फिश के द्वारा बनते हैं। ये एक प्रॉपर मैनर बनाते हैं। प्रोडक्शन एंड कंज्यूम, यह एक प्रॉपरली रेगुलेट सिस्टम है जो फिश मार्केटिंग कहलाता है। प्रेजेंट टाइम में यह बताया गया है कि मार्केटिंग फिश इंडस्ट्री का डेडिकेटेड भाग है। यानी जो प्रोडक्शन एंड कंज्यूमिंग है यह एक प्रॉपरली रेगुलेट सिस्टम है और फिश मार्केटिंग कहलाता है। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग के टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल और सेकेंड है मॉडर्न। फर्स्ट हम इसमें ट्रेडिशनल फिश मार्केटिंग पढ़ेंगे। बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्रेडिशनल सिस्टम से मार्केटिंग की जाती है जिसमें वुमन फिशेज को सुखाकर सेल करती है। यह एक अच्छी क्वालिटी की फिशेज होती है परंतु बाद में ये स्पॉइलेज हो जाती है। इसमें फिशरमैन 30 to 50 पैसा पर केजी के हिसाब से फिश को बेचा जाता है और दूसरे फिशरमैन इन्हें लेकर हाई रेट पर कंज्यूमर को बेचते हैं। यानी जो ट्रेडिशनल फिश मार्केटिंग है इसमें क्या है, जो डेवलपमेंट कंट्री है उनमें ट्रेडिशनल सिस्टम से फिश मार्केटिंग की जाती है जहाँ जो वुमन्स होती है वो फिश को सुखाकर उन्हें बेचने जाती हैं और यहाँ अच्छी क्वालिटी की फिशेज होती है। परंतु इनका यह रहता है कि ये फिशेज जल्दी ख़राब हो जाती है और फिशरमैन क्या करते हैं, इनको ख़राब होने से पहले ही बेचने के लिए इनको 30 to 50 पैसे में ही पर किलो में इनको बेच देते हैं, जिससे क्या जो दूसरे फिशरमैन होते हैं ना वो इनको ले लेते हैं कम पैसों में और जो बाकी और जो कंज्यूमर होते हैं उनको वो हाई रेट में प्रोवाइड कराते हैं। ये इसका एक चार्ट है। मॉडर्न फिश मार्केटिंग, इसमें की जाती है और अधिक समय के लिए नहीं रखी जाती है, इसे डायरेक्ट परचेस कर लेते हैं। कुछ फिशेज जैसे ओशियन पर्च फिश डायरेक्ट फिश मार्केट में नहीं जाती है जब तक उसे फेरोजन ना किया जाए। उसकी डिमांड इसी प्रकार से की जाती है। सम फिशेज डायरेक्ट ही पोटैटो के समान तलकर पैक करके भेजी जाती है या फिर रेफ्रिजरेटर या इंसुलेट बैग में भरकर फिशेज को डायरेक्ट दूसरी जगह में भेजा जाता है। यानी जो मॉडर्न टेक्निक है इसमें क्या किया जाता है, ये डायरेक्टली कंज्यूमर के पास ही चली जाती है। इसमें कोई बीच में होल सेलर नहीं होता है, ये डायरेक्ट इसमें कस्टमर ले खरीद सकता है और इसको है ना एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए इसे या तो तलकर इसे पैक कर लो या फिर इसे रेफ्रिजरेटर में इंसुलेट करके इनको बैग में पैक किया जाता है और फिर दूसरी जगह इनको भेजा जाता है। ये इसका चार्ट है। प्रोड्यूस प्राइमरी सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, रिलेटर्स और कंज्यूमर।
एम्स ऑफ फिश मार्केटिंग न्यूट्रिशन पॉइंट के उद्देश्य से ही यह अच्छा है कि फिश को जहाँ तक संभव हो सके फ्रेश रखा जाए, यानी जो न्यूट्रिशन पॉइंट के उद्देश्य से ये होता है कि जहाँ तक फिश जितनी फ्रेश होगी उनको न्यूट्रिशन उतना प्रोवाइड होगा। इस काम में अधिक लेबर या कैप्चर की आवश्यकता होती है और इस काम को करने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। एजेंसी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बोथ को बैलेंस रखकर फिश मार्केट को बढ़ावा देती है, यानी जो एजेंसियाँ होती है वह फिश को और कस्टमर दोनों का बैलेंस बना के रखती है और ऐसे ही वो फिश मार्केटिंग को बढ़ावा देती है तथा फिश मार्केटिंग के द्वारा गरीब फैमिली को फूड प्रोवाइड कराना जो सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके। यानी फिश मार्केटिंग इसलिए की जाती है जो गरीब फैमिली है उनको फूड प्रोवाइड करा सके सस्ते दामों में। हेजार्ड ऑफ मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फिश का स्पॉयलेज होता है जिसमें फिश अधिक मात्रा में ख़राब हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जो फिश भेजी जाती है उससे क्या है थोड़ी फिशें ख़राब हो जाती है। इन फिशेज को स्पॉयलेज कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण होता है, यानी जो स्टोरेज होता है इसका स्पॉयलेज जो होता है यानी ख़राब होने का कारण उनका कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण होता है। इसके अतिरिक्त फिशरमैन का अशिक्षित होना, मार्केटिंग के रूल्स के बारे में कई जानकारी ना होना तथा फिश की गुड स्पीसीज और कम जानकारी होने से फिश मार्केट को बढ़ा नहीं सकते हैं। कुछ फिशर जो अशिक्षित होते हैं जो ग्रेजुएट नहीं होते हैं कि फिश को कैसे रखना चाहिए उनकी मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए उनको ये सब पता नहीं होता है। वह स्पीसीज की पहचान नहीं कर सकते हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि फिश की कैसे मार्केटिंग की जाए। फिशरमैन फिश स्पीसीज के उस फिश को अधिक परफेंस देते हैं जिसे वे आसानी से प्रिजर्व कर सके और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो सके। यानी जो फिशरमैन होते हैं वो उन्हीं स्पीसीज को अधिक मात्रा में स्टोर करते हैं जिससे उनको उसका पैसा भी बहुत अच्छा मिले और वह उनको प्रिजर्व भी आसानी से कर सकें। फिर इसमें नॉलेज ऑफ फिशरमैन। नॉर्मली फिशरमैन अनट्रेंड होते हैं और उन्हें मार्केट के बारे में बहुत ही कम ज्ञान होता है। यानी जो नॉर्मली जो फिशेस होते हैं मछुआरे होते हैं वो अनट्रेंड होते हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है और उनके मार्केटिंग के बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं होता है। उन्हें फिश इंडस्ट्री के बारे में ट्रेनिंग आवश्यक, जैसे फिश प्रिजर्वेशन, फिश प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोर फिश स्पॉयलेज के कारण और उन सब की उनको जानकारी होनी चाहिए। यानी इंडस्ट्री में कैसे फिश को प्रिजर्व करना चाहिए, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना चाहिए, उसको एक्सपोर्टिंग यानी उनको बेचा कैसे जाना चाहिए, या फिश अगर कोई ख़राब हो जाती है तो उसको वापस से सही कैसे किया जाना चाहिए। फिशेज के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इंडिया में फिशेज की मार्केटिंग आवश्यकताओं को बढ़ावा अति आवश्यक है क्योंकि फिश फूड के पर्पस से बहुत उपयोगी है। यानी जो इंडिया है उसमें फिश मार्केटिंग को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि जो फिश है वो फूड के पर्पस से बहुत अधिक उपयोगी है, उसमें बहुत अधिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। फिर इसमें पॉइंट है फिश मार्केटिंग इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया। इंडिया में फिश मार्केटिंग बहुत सी जगह पर दलालों या फिशेज के व्यापारियों के बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप फिशरमैन द्वारा पकड़ी गई फिशेज की कीमत कम हो जाती है जबकि फिशेज के कंज्यूमर काफ़ी अधिक कीमत देते हैं। कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास एंड चेन्नई में फिशेज नीलामी के द्वारा भेजी जाती है। यानी जो फिश मार्केटिंग है वहाँ पर कुछ बड़े बड़े व्यापारी या ऐसे पूंजीपतियाँ होते हैं जो क्या करते हैं प्रतिबंध लगा देते हैं कि यहाँ पे फिश कल्चर या फिश मार्केटिंग नहीं की जा सकती। इसीलिए जो फिशरमैन होते हैं उनके फिशेज की रेट कम हो जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसी कुछ स्टेट हैं जहाँ पर कोलकाता, मुंबई, मद्रास इन सब में फिशेज को नीलामी के द्वारा
भेजी जाती है। लास्ट कॉन्क्लूजन, यानी प्राचीन काल से ही फिशेज फूड का एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स मानी जाती है, परंतु आजकल बहुत से कंट्रीज में मत्स्य उपयोग स्थापित है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार होते हैं, अत्यंत लाभदायक व्यवसाय साबित हो रहे हैं। विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी माध्यम है। इंडिया में फिश मार्केटिंग को बहुत बढ़ाया गया है, यानी प्राचीन काल से ही फिशेज का फूड के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स मानी जाती है। और आजकल के जो अदर कंट्री है वहाँ पर उद्योग यानी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड की गई है, जिससे वो क्या है कि नए नए फिश के प्रोडक्ट बनाती है और उन्हें बेचती है, उनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त करती है। फिश मार्केटिंग को इंडिया में भी बहुत अधिक बढ़ाया गया है। फिर इसका रेफरेंस तो एक्वाकल्चर प्रिंसिपल एंड फिस PBR पेली एंड MN क्यूटी और एक्वाकल्चर डॉक्टर QJ स्वामी डॉक्टर ज्योति विक ने। थैंक यू एवरीवन, आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।